राम राम दोस्तों, पिक्के मिस्त्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे नई साइट पे जहाँ पे अमित मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। आज बताएंगे आपको प्रॉपरली घर का नक्शा किस साइज में बनाया है, उससे पूरी जानकारी लेंगे, कितनी जगह पीछे रखी है इन्होंने, कितनी अपनी साइड में रखी है, कितनी आगे रखी है, और ये लॉबी का साइज़ बताएँगे। पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना। या ये है भाई अमित मिस्त्री, ये भाई साहब आपसे जानने आए हैं, ये आपने कितने साइज में अपने नक्शा बनाया घर का, इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई बताओ एक बार। 15 बाई 14 के दो रूम कमरे है ये की एक हो आराम तब ये पीछे निकलने का रास्ता 15 बाई 5 का। अच्छा, वो क्या बना आपने? थोड़ी का ये बीच में लॉबी का साइज क्या है? 22 बाई 15 का। अच्छा, और ये क्या है? 15 12 के बैठेगा जी। 15 12 की ड्राइंग रूम, बहुत बढ़िया। और ये क्या बीच में दे दिया आपने? ये बाथरूम है। बाथरूम का साइज क्या रहेगा? 10 बाई 5 का। और ये 4 5 की लेटरिन। और ये पैडी का एरिया कितना लिया आपने? पैडी का जी 10 15 का। 10 बाई 15 का। इसमें पैडी आप पूरी हाइट पे ले जाओगे या नीचे रखोगे? साढ़े आठ फुट पे, ठीक है। ये पूरा कवर कितना करा आपने? ये 38 बाई 31 का। ये भाई 48 बाई 31 में इन्होंने 3 रूम सेट निकाला बहुत अच्छे तरीके से। और ये किचन का साइज क्या रहेगा? किचन आपकी है, किचन का क्या साइज है? ये 6 बाई 15 की किचन, बहुत बढ़िया किचन का इन्होंने जगह लिया है, जिसे खुली खुली बनाएगा, ये ओपन किचन रखेगा। ये देखिए भाई, इन्होंने प्लेंथ बीम की सेटरिंग कर ली है, और ये सेटरिंग करने के बाद 1 2 3 का मसाला भरेंगे इसके अंदर, और एक बैग में ये 10 फुट कवर करते हैं। प्लेंथ बीम की भराई 9 बाई 9 की, और इसके अंदर बायोमीटर लगा के बहुत अच्छे तरीके से ये भराई होगी इसकी। ये मिस्त्री भाई सेटरिंग कर रहे हैं। ये मिस्त्री भाई इसकी सेटरिंग करेंगे अब। ये क्या है? ये बैठक है जी। बैठक का क्या साइज है? ये 12 15 की अभी। 12 15 की। अच्छा, इसमें क्या लगाओगे? लेंटर लगाओगे या गटर पत्थर? लेंटर है इसमें भी। लेंटर, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने पर। ठीक है, धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई।